Hey viewers, welcome to my channel 143 coding. This is our first video tutorial of the Cake PHP. इस वीडियो सीरीज में हम Cake PHP का 4.2, 4.8 जो कि लेटेस्ट वर्जन है Cake PHP का यूज़ करेंगे. स्टार्टिंग करने से पहले जो बिगिनर्स हैं या जिन्होंने इससे पहले किसी भी फ्रेमवर्क को यूज़ नहीं किया, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ये जानना ज़रूरी है कि फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, क्यों हमें इनको यूज़ करना चाहिए और ये MVC पैटर्न क्या है. तो हम समझते हैं कि ये फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, क्यों हमें इनको यूज़ करना चाहिए. फ्रेंड्स, कोर पीएचपी में जब हम किसी वेब एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो इनिशियल स्टेज में हमें बहुत सारी चीज़ों का हम मैनेज करना पड़ता है. सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में सबसे पहले फाइल कौन सी रन होगी, उस फाइल में से सबसे पहले फंक्शन कौन सा कॉल होगा. हमें डेटाबेस मैनेज करना पड़ता है, उसके सेट ऑफ रूल्स एंड क्वेरीज को राउट ऑन करना पड़ता है. हमारे पास राउट्स होते हैं, उनकी फंक्शन हमें स्क्रैच से करनी पड़ती हैं. गेट है, पोस्ट है, पुट है, इन सभी मेथड्स को हमको एक ऑर्गेनाइज तरीके से मेंटेन करना पड़ता है. प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करेंगे, एरर हैंडलिंग आ जाती है हमारे पास, क्योरिटी मेजरमेंट्स आ जाते हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, डेटा वैलिडेशन है. सो इस बेसिक फंक्शनैलिटी को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम स्टार्टिंग में ही लग जाता है. फिर इसमें रीयूजिबिलिटी की बहुत कमी होती है, कोड फ्लैक्सीबिलिटी, कोड में फ्लैक्सीबिलिटी नहीं होती. तो जैसे जैसे हमारी एप्लीकेशन स्केल अप होगी तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही बढ़ती जाती है और उनको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है. सो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए फ्रेमवर्क्स बने. फ्रेमवर्क्स हमें वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, प्री बिल्ट बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं. यहाँ हमें ऐसी बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज मिल जाती हैं जिससे हमारे कोड की रीयूजिबिलिटी बढ़ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है. यहाँ हमें यह नहीं देखना पड़ता कि राउट्स की कैसे हम फंक्शनिंग करेंगे, डेटाबेस को कैसे मैनेज करेंगे या सिक्योरिटी को कैसे मेजर किया जाएगा. ये सारी चीज़ें फ्रेमवर्क्स हमें बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करते हैं और इसीलिए हमें फ्रेमवर्क्स यूज़ करने चाहिए. बहुत कम समय में ही हम अपनी हाफ एप्लीकेशन को बना लेते हैं फ्रेमवर्क्स की हेल्प से. तो हम देखते हैं कि ये MVC पैटर्न क्या है. तो अब हम समझते हैं कि ये MVC क्या है. देखिए, MVC एक सॉफ्टवेयर पैटर्न है जिसे फ्रेमवर्क्स ने अडॉप्ट किया. MVC स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर और मुझे नहीं लगता कि 2021 में किसी को नहीं पता होगा कि MVC क्या है. अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो मॉडल है ये हमारा डेटाबेस ऑपरेशंस जो होंगे वो यहाँ होंगे, व्यू हमारा प्रेजेंटेशन लेयर है जहाँ इसको आप फ्रंट एंड मान लीजिए, कंट्रोलर में हमारे बिजनेस लॉजिक्स होंगे. इसे हम डिटेल में देखेंगे जब हम Cake PHP इंस्टॉल कर लेंगे, जब इस पर काम शुरू कर देंगे, फिर हम इस चीज़ को देख लेंगे कि MVC प्रॉपरली क्या है, इसका क्या मतलब बनता है. अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही ठीक है कि आप इसे इतना समझ लीजिए मॉडल व्यू कंट्रोलर है और इसी बेस पे हमारे जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं वो इसी पे काम करते हैं. तो आइए अब हम देखते हैं Cake PHP. तो अब हम बात करते हैं Cake PHP की. देखिए, Cake PHP एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जिसपे हम किसी भी वेब एप्लीकेशन को बहुत ईजिली डेवलप कर सकते हैं. Cake PHP भी MVC आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, जैसे कि मैंने कहा था कि जो फ्रेमवर्क्स होते हैं ये MVC पैटर्न को फॉलो करते हैं. तो Cake PHP भी एक फ्रेमवर्क है तो ये भी MVC पैटर्न को फॉलो करता है और इसमें हमें बहुत सारे टूल्स एंड लाइब्रेरीज मिल जाते हैं जो हमारी एप्लीकेशन बनाने में बहुत हेल्प करते हैं. देखिए, Cake PHP की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, इसके राउट्स बहुत अच्छे हैं, SEO फ्रेंडली हैं. तो चलो, ये हम देखेंगे जब हम लाइव करेंगे. तो पहले हम इसे इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं कि इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं. तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा. तो cakephp.org है उसका, तो वहाँ चलते हैं. cakephp को इंस्टॉल करने के लिए हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट cakephp.org को ओपन करेंगे. ये ओपन हो गई है, अब देखिए रेड कलर में आ रहा है डाउनलोड, इस पर हम करेंगे क्लिक. इंस्टॉलेशन वाला पेज ओपन हुआ, स्क्रॉल करेंगे. स्क्रॉल करने के बाद ये देखिए यहाँ आ गया क्रिएट अ cakephp प्रोजेक्ट. अब जो ग्रे कलर के बॉक्स में जो हाईलाइट हो रहा है इसको हमने करना है कॉपी. कॉपी सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+C, मैंने कॉपी कर लिया. अब इससे पहले एक और चीज़ गाइज, आपके लैपटॉप या PC में कंपोजर इंस्टॉल होना चाहिए. मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ और मेरे पास ऑलरेडी कंपोजर इंस्टॉल है. अब यहाँ पे क्या है गाइज कि जो विंडोज़ यूज़र हैं उनको थोड़ी सी अपने PC में कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी php.inl फाइल में. आपको वहाँ दो एक्सटेंशन अवेलेबल करनी है, एक है MB स्ट्रिंग और एक है INTL. आई थिंक MB स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट अनेबल ही होती है, अगर ना हुई तो आपको वो अनेबल करनी पड़ेगी. ये देखिए इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में भी ये चीज़ मेंशन है. ये देखिए इन्होंने बताया हुआ है कि ये दो एक्सटेंशन आपको अनेबल करनी है, php.inl फाइल में आपको ये
एक्सटेंशन मिल जाएंगी। गाइज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसको कैसे अनेबल करना है या फिर आपको इंस्टॉलेशन के टाइम में कोई एरर आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, फिर हम इसके ऊपर एक अलग से वीडियो कर लेंगे। तो चलिए मैं जल्दी से इसको अपने पीसी में इंस्टॉल करता हूँ PHP को। इसको मैंने किया क्लियर CD, सर्वर की डायरेक्टरी मैंने की और यहाँ मैं इसको पेस्ट किया केक फोल्डर का नाम और ये मैंने इंस्टॉलेशन पे लगा दी। ये देखिए इंस्टॉल हो गई है, बड़ी जल्दी इंस्टॉल होगी। इसको हम करेंगे यस परमिशन अलाउ, देखिए ये हो गई है। ब्राउज़र में गया मैं, क्रोम को ओपन किया, लोकल होस्ट नाम दिया था हमने इसको केक। तो ये देखिए गाइस सक्सेसफुली हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हो गया केक PHP। वेलकम टू केक PHP 4.2 4.8 स्ट्रॉबेरी। एनवायरमेंट्स में देखिए हमें केक PHP का वर्जन उसने ये इतना ये मेरा डिटेक्ट किया है जो मेरे लैपटॉप में है, केक PHP का वर्जन ये है। और यहाँ पे इसको MB string extension अनेबल की मिली, OpenSSH ये अनेबल ही होती है, INT extension इसको अनेबल मिली। मैं फिर कह रहा हूँ गाइस कि जो विंडोज़ है उसमें ये एक्सटेंशन आपको दोबारा से फिर से मतलब अनेबल करनी पड़ेंगी। अगर नहीं हो रही आपसे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम इसको अलग से वीडियो कर लेंगे। ये यहाँ डेटाबेस क्योंकि अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन तो की नहीं है इसलिए यहाँ पे ये वो रेड कलर में हैंड दिखा रहा है। अब जल्दी से हम इसका फाइल स्ट्रक्चर देख लेते हैं केक PHP का। तो ये हमने अपने केक PHP का फोल्डर ओपन कर लिया है, देखिए केक उसका नाम मैंने दिया था वो, अब उसके अंदर ये है उसका फाइल स्ट्रक्चर केक PHP का। सबसे पहले फोल्डर आता है बिन, उसके बाद है कॉन्फिग, लॉग, प्लगइन, रिसोर्स, SRC, टेम्पलेट्स, टेस्ट, टेम्प, वेंडर और वेब रूट। और यहाँ एक फाइल है index.php। देखिए जो बिन है इसके अंदर केक PHP की जो एग्जीक्यूशन कमांड्स हैं वो यहाँ पे हैं, तो इसको अभी हम नहीं देखेंगे, इसको छोड़ देते हैं। कॉन्फिग जी के अंदर हमारे राउट्स हैं, ऐप अंडरस्कोर लोकल इसके अंदर हमारा डेटाबेस होगा, बूटस्ट्रैप के अंदर और जो इसकी लाइब्रेरीज हैं या जो एक्सटर्नल फाइल्स यूज कर रहा है वो उसके अंदर इंक्लूड्स हैं, उसके काफ़ी सारे फंक्शंस हैं बूटस्ट्रैप की जो फाइल है, इनको हम देखेंगे जब हम लैब करेंगे तब उनको हम डिटेल में देखेंगे। अभी हम जस्ट एक जनरल आइडिया ले रहे हैं केक PHP के फाइल स्ट्रक्चर का। उसके बाद लॉक्स हैं, लॉक्स में हमारे जो एरर्स जनरेट होंगे वो यहाँ उसकी कॉपी बनती रहेगी। प्लगइन्स के अंदर हमारे प्लगइन हम रखेंगे, अगर कोई हमें प्लगइन चाहिए तो वो हम यहाँ रखेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट हमें वो वहाँ पे कंट्रोलर में मिल जाएगा। रिसोर्स है SRC के अंदर गाइस हमारे कंट्रोलर मॉडल जो हमारा मेन फोल्डर है SRC केक के अंदर, जहाँ हमारी 90% हमारा काम जो यहाँ चलेगा। इसके अंदर कंट्रोल है, कंट्रोलर है, मॉडल है, व्यू है। कमांड कंसोल इसको छोड़ दीजिए, ये हमारा अभी नहीं आएंगे अभी इसमें, जब आगे हम लैब करेंगे तब हम चीज़ों को देखेंगे। व्यू हमारा वो व्यू नहीं है जो हमने कहा था कि प्रेजेंटेशन लेयर है, इसके अंदर हमारे व्यूज़ के कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ हेल्पर्स होते हैं जो हम यहाँ बनाएंगे और उसको हम अपने व्यू प्रेजेंटेशन लेयर में यूज़ करेंगे। फिर आते हैं टेम्पलेट्स, ये हमारा है व्यू प्रेजेंटेशन लेयर व्यू फ्रंट एंड जो हमारा दिख रहा है। देखिए पेज फोल्डर को मैं ओपन करूँ, यहाँ पे home.php है जो हमें यहाँ पे शो हो रही है। देखिए जो ये वेलकम पेज आ रहा है वो इस पेज से आ रहा है। टेस्ट में हम टेस्टिंग के लिए रखेंगे, इसको देखेंगे। टेम्प में हमारी टेम्परेरी फाइल्स बनती हैं, कैश वगैरह होती है वो यहाँ बनेगी टेम्परेरी फाइल्स। वेंडर हमारा कंपोजर की है। वेब रूट्स में हम CSS, JS, फॉन्ट्स और इमेजेस वगैरह वो जो स्टाइलिंग वाले जितनी भी चीज़ें हैं वो हम सब यहाँ पे सेटअप करेंगे। एक चीज़ कर लेते हैं गाइस, ये मैंने ओपन किया, आपको एक कंट्रोलर का थोड़ा सा मैं कोड दिखा देता हूँ। वेयर HTML केक कंट्रोलर पेजेस। तो गाइस ये हमारा कंट्रोलर है जो इस पेज को लोड करवा रहा है, इस वाले पेज को, जो ये पेज चल रहा है वो इस कंट्रोलर से कहाँ गया, इस कंट्रोलर से वो चल रहा है। अब ये कोड क्या है, कैसे ये काम कर रहा है, डिस्प्ले, ये स्ट्रिंग, पाथ, ये किस तरह से काम कर रहा है, इसको हम देखेंगे अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में।
आज हमने सिर्फ एक जनरल आइडिया लिया है कि एक पीएचपी का फ्रेमवर्क है, एमवीसी पैटर्न का। एमवीसी पैटर्न की हम थोड़ी सी कुछ ट्यूटोरियल्स बाद हम बात करेंगे कि एमवीसी पैटर्न कैसे काम करता है। आज हमने इसके ऊपर ज़्यादा हम डिटेल में नहीं गए हैं, तो आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम इसके बारे में देखेंगे, इसकी कोडिंग को देखेंगे, नेमिंग कन्वेंशन को समझेंगे। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। सी यू वेरी सून। थैंक यू।